कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार में, खास तौर से सरसों सीड के बारे में। आज देखेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों में, क्या कीमतें चल रही हैं कुछ मंडियों में सरसों सीड की, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। सरसों के बारे में बात करते हैं। बाजारों में हल्की सी बढ़त दर्ज करी गई है, 50 से 70 रुपए तक की बाजारों में तेजी के साथ कारोबार आज सरसों सीड में हुआ है। और आने वाले टाइम पर हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि तेजी रहेगी या मंदी, ये खास तौर से मौसम पर निर्भर कर सकता है। फिलहाल के लिए आज की कीमतों के बारे में बात करते हैं। तो जयपुर का जो रेट चल रहा है सरसों सीड में 5600 से लेकर 5625 के बीच है। बाजारों में 25 रुपए तक की इसमें बढ़त दर्ज करी गई है। दिल्ली का रेट 5450 रुपए देखा जा रहा है। बरवाला में सरसों सीड की कीमतें 4400 से लेकर 5050 रुपए के बीच है, जिसमें भी 50 रुपए तक की तेजी के साथ कारोबार हुआ है। हिसार का रेट आप 5200 रुपए देखकर चल सकते हैं। नई सरसों में प्लांटों कीमतों में भी बाजारों में हल्की सी बढ़त दर्ज करी गई है। सलोनी शमशाबाद का रेट 5950 है, सलोनी डिग्नेर की कीमतें 5950 चल रही है। सलोनी कोटा में बाजारों में आप 5900 रुपए का रेट बाजारों में देखकर चल सकते हैं। अगर मौसम खराब होता है तो बाजारों में इसकी सप्लाई पर आपको असर देखने को मिलेगा, और इसके भाव में आने वाले समय में आपको और भी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही घरेलू बाजार में सरसों तेल के साथ ही खल की मांग भी कमजोर बनी हुई है, और फिलहाल के लिए इसी रेंज में बाजारों में कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।